क्या 2023 में एक नया चैनल शुरू करना लेट तो नहीं है? तो ये सवाल मेरे से कई सारे यूट्यूबर्स ने पूछा है। मतलब देखो 2017-18 के टाइम कंपटीशन उतना नहीं था, तो अगर तुम उस टाइम चैनल शुरू करते ग्रो करना कंपैरेटिवली इजियर था। 2023 में बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए एंड कॉम्पिटिशन बढ़ गया, तो सवाल है क्या अब भी ग्रो करना पॉसिबल है या मार्केट बहुत ज्यादा सेचुरेट हो गई? तो इसके जवाब के लिए मैं उल्टा तुम्ही से एक सवाल पूछता हूँ। क्या अभी के टाइम कोई एक भी ऐसा यूट्यूबर नहीं है जो अभी तो जीरो पर हो या फिर मे बी उसने चैनल अपना स्टार्ट ही ना किया हो, बट 2023 के एंड या उससे पहले 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर जाने वाला है? इसका सिंपल सा जवाब है कि भाई हाँ, एक नहीं ऐसे हजारों चैनल्स होंगे जो अभी तो जीरो सब्सक्राइबर्स पर है, शायद उन्हें पता भी नहीं है कि वो 1 मिलियन पर जाने वाले हैं, पर वो 2023 में 1 मिलियन क्या 10 मिलियन भी जाएंगे। तो अब हम अपने जो ओरिजिनल सवाल था ना उस पर वापस आते हैं कि क्या 2023 में ग्रो करना अभी भी पॉसिबल है या लेट हो गया? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि देखो पहले के टाइम में यानी 2017-18 में कॉम्पिटिशन कम था बट रिसोर्सेज भी कम थे। उस टाइम यूट्यूब एज अ करियर ऑप्शन लाइक था ही नहीं ना, लाइक उस टाइम अगर कोई शुरू कर रहा है तो उसका एडवांटेज था भाई, बट आज की डेट में कॉम्पिटिशन ज़्यादा, मैं मान रहा हूँ जो स्टैंडर्ड्स हैं YouTube के वो बढ़ गए हैं, बट अगेन तुम्हारे पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा है। तुम्हें YouTube पर ही ट्यूटोरियल मिल जाएंगे कि वीडियो कैसे बनानी है, ट्यूटोरियल मिल जाएंगे एडिट कैसे करनी है, ट्यूटोरियल मिल जाएंगे कि थंबनेल कैसे बनाना है, उसे अपलोड कैसे करनी है, हर चीज़ के ट्यूटोरियल आज तुम्हें रेडी मिलेंगे। तो हाँ भाई, पहले रिसोर्सेज कम थे तो कॉम्पिटिशन भी कम था, आज कॉम्पिटिशन ज़्यादा है तो रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं। अगेन ग्रो करना पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पॉसिबल नहीं है।